के मास पॉपुलाइजेशन आज चलते सामने, और आप ये समझते हैं कि चाहे वो रसाना की इंक्वायरी की डिमांड हो या माइनॉरिटी वाले मामले में जम्मू संभाग के लोगों की रक्षा हो, या आज टोल प्लाजा बंद करने के लिए स्मार्ट मीटर्स बंद करने के लिए जम्मू संभाग के लोग, इनको भाजपा की सरकार ने किसी भी तरीके से एड्रेस करने का प्रयास नहीं किया, और उसका कारण यही है कि भाजपा हो कांग्रेस हो उनकी जम्मू कश्मीर के संबंध में एंटी जम्मू रही है पिछले 70 साल से। अनफॉर्चुनेटली 2014-15 के बाद उस नीति को अडॉप्ट करके आगे फर्दर बढ़ाया गया। ये बहुत दुख की बात है, रसाना हो, प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो, टोल प्लाजा का मामला हो, सरकार हमेशा एंटी जम्मू रही है। और मैं आपके माध्यम से आज ये एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि मोदी साहब को कुछ पता नहीं है, यहाँ के लोगों ने बताते नहीं है, यहाँ के नेता बताते नहीं है, वो ये बकवास करना बंद करें, ये मूर्खतापूर्ण बातें करना बंद करें। अगर इस मामले में कोई एंटी जम्मू है, एंटी जम्मू है, एंटी जम्मू के लोगों के हैं, तो वो केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार में समस्या की जो जड़ है उसका चेहरा नरेंद्र मोदी, उसका चेहरा अमित शाह, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी है जो एंटी जम्मू है। जम्मू संभाग की जो लोकल बीजेपी को कोस कोस की क्यों उन्हें आप एलिवाइज देते हो, क्यों उन्हें आप पर्दा डालने का उनके कृत्यों पर काम करते हो, जम्मू संभाग के लोग जो भी कहे, लीडरशिप यहाँ से जो भी कहे, नरेंद्र मोदी को करना वो है जो मुस्लिम तुष्टिकरण, संतुष्टिकरण और तृप्तिकरण के चलते वो कश्मीर को खुश करने के लिए कर सकते हैं। मुझे लगता है वो आपस में चर्चा करके ज्वाइंट और कलेक्टिव काम के लिए, और वही आज जो है कि दो दिन के अंदर ये 2.5-3 साल से देखिए टोल प्लाजा का मामला आज नहीं उठाया, टोल प्लाजा का मामला जो है पिछले 3 साल से चल रहा है। आपको याद होगा स्वयं हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके ग्राउंड पे जाके ट्रांसपोर्टर्स के साथ अपने साथ बैठा ये आवाज 2.5-3 साल पहले से लगातार उठा रहे हैं, और उठाई थी अपने कवर भी किया था वो सारा। ये 2.5-3 साल पुराना मामला है, जब लोग सड़कों पे आते हैं आपके लिए समस्या पैदा होती है, पॉलिटिकल कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है, तब आप कहते हो 2 दिन का समय दो, 3 दिन का समय दो, आप 3 साल से कहां थे ये मुझे बताइए। एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई समस्या वहां पे उत्पन्न नहीं होती है, और लोग डिमांड कर रहे हैं। और अगर सरकार को ये नहीं पता है कि लोगों की डिमांड ये है पिछले 3 साल से डिस्पाइट बीइंग ऑन रोड्स और प्रोटेस्टिंग और मीडिया में आने के बावजूद भी, तो इस सरकार को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रहता। और मैं जम्मू संभाग के लोगों से विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा, समझिए आपको नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उससे पहले मनमोहन सिंह और उससे पहले वाजपेयी, इन्होंने गुलाम रखा था, इन लोगों से आजादी की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। और ये लोकल बीजेपी या लोकल लीडरशिप को कसूर देने से कुछ नहीं होगा, जो असली विलेन है, समस्या का जो चेहरा है, समस्या की जो जड़ है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, और उनके जो एजेंट है यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा है, ये उनकी नीतियां जो यहाँ पे चल रही है। आप पूछिए किसी भी नेता से, आप भाजपा के ऑफिस में जाके पूछिए उनसे कि आप क्या कहते हैं कि नहीं कहते हैं जम्मू की समस्याओं के बारे में। कहते हैं जब हम कहेंगे तो कहते हैं कि दिल्ली से कहलवा दीजिए तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये दिल्ली रोकती है, ये टैक्स दिल्ली लगा रही है, और दिल्ली का इल्लीगल समझौता, अनहोली समझौता कश्मीर बेस्ड मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, जिसके चलते जम्मू को 2M दर्जे में रखना है, डिसएम्पावर्ड स्टेट में रखना है, कश्मीर की कॉलोनी बना के रखना है, होस्टेज बना के रखना है, और इसी के चलते हम पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड हैं। और जो पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड होते हैं वो अनाथ होते हैं, जिस तरीके से जम्मू संभाग के लोग हैं, रसाना में आपने देख लिया, बाकी मुद्दों आपने देख लिया, और अनाथों का कुछ नहीं होता। इसलिए अपने कंधों पैरों पे खड़ा होइए, ये जिम्मेवारी अपने कंधों पे उठाइए कि जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी समाज को लिबरेट करने के, लिबरेशन किससे, उस कॉन्ट्रैक्ट से, उस समझौते से, उस अंडरस्टैंडिंग से जो दिल्ली का कश्मीर बेस्ड मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, जिसमें हमें होस्टेज और गुलाम रख दिया गया है, उससे आजादी लेनी है, उसके लिए अपने कंधे पे ये जिम्मेवारी उठाने का काम कीजिए। और इस दृष्टिकोण से समझिए, जम्मू से लोकल आवाज उठनी चाहिए हर तरीके से, जम्मू संभाग की बात करने वाले लोग ही असेंबली और पार्लियामेंट में जाने चाहिए, नहीं तो वो आपके वोट लेके, आपकी सीटें लेके आपको बेच देंगे। अगली साइलेंट प्रोटेस्ट सभा, सर युवा राजपूत सभा के लोगों को डिटेन किया गया है। देखिए जो डिटेंशन हुई है वो इलीगल है, डिटेंशन जो है उन्हें तत्काल प्रभाव से रिव्यू करके उन्हें रिलीज किया जाना चाहिए। ठीक ठीक।